वेलकम दोस्तों, AKHVC इंजीनियरिंग में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कि कंप्रेसर क्या होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं। जो भी आज के HVAC फील्ड में कंप्रेसर ही का मुख्य काम होता है कि कंप्रेसर आखिर ये क्या होते हैं। इसका यूज बहुत ही जगह पर, ऐसा नहीं है कि केवल AC फील्ड में यूज होता है, इसका बहुत ही जो मैकेनिकल क्षेत्र में, इंडस्ट्रियल में बहुत जगह इसका कंप्रेसर का यूज होता है। तो हम आज उसी के बारे में बात करते हैं, आखिर ये कंप्रेसर क्या होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो जो कंप्रेसर हम आज इस टाइम में बात करेंगे, सबसे ज़्यादा हम जो रेफ्रिजरेंट यानी जो भी HVAC फील्ड में यूज होने वाले हैं उन सभी के बारे में बात करूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेन होता है कंप्रेसर टाइप्स, यानी कंप्रेसर कितने प्रकार के होते हैं ये भी मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर, मैं नाम क्या बता रहा हूँ कि रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर उसी का मैं बात कर रहा हूँ और किसी का नहीं। तो रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर बता रहा हूँ कि कंप्रेसर ऐसी मशीन है जो आपको सभी कूलिंग करने वाले उपकरण में देखने को मिल जाती है। जो भी कूलिंग के मतलब होता है जो ठंडा करने वाले जो भी मशीन होते हैं उसमें आपको कंप्रेसर देखने को मिल जाती है। जैसे आपका अगर फ्रिज है, एयर कंडीशनिंग हो, वाटर कूलर हो, इन सभी जगह आपने देखा हो कि एक कंप्रेसर का यूज होता है, जिसे हम रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर बोलते हैं। इसके अलावा भी कंप्रेसर का उपयोग आपको कई जगह देखे होंगे कि जहाँ पर हवा भरने होने के लिए भी आपको जो देखते हैं ना बड़ा सा सिलेंडर टाइप का, वो भी एक प्रकार का कंप्रेसर ही होता है। और कंप्रेसर का अगर बात करें कि कंप्रेसर रेफ्रिजरेंट गैस में यानी रेफ्रिजरेंटर में HVAC फील्ड में इसका क्या काम होता है, तो मैं बता दूँ कंप्रेसर सबसे पहले क्या करते हो, रेफ्रिजरेंट जो गैस होती है, मैंने बहुत पहले जो भी वीडियो बनाया होगा AC से रिलेटेड उसमें मैंने बताया होगा रेफ्रिजरेंट गैस का, तो वो कंप्रेसर क्या करता है, रेफ्रिजरेंट गैस को ये क्या करता है, सक करता है। सक मतलब अपने तरफ वो खींचता है किसमें, कंप्रेसर के अंदर। इसके बाद उस कंप्रेसर गैस को क्या करता है, रेफ्रिजरेंट गैस क्या करता है, उसको कंप्रेस करता है। यानी मतलब इसका यही हुआ कि वो कंप्रेस के जो भी रेफ्रिजरेंट गैस उसके दाब को क्या करता है, वो बढ़ा देता है, कंप्रेस करके दबा देता है। उसके बाद वो किसमें उसको भेज देता है, कंडेंसर में उसको भेज देता है। ये कंप्रेसर का ही काम होता है, मुख्य काम यही होता है। और कंप्रेसर में हमको मुख्यतः तीन पाइप आपको देखने होंगे कि सक्शन लाइन होता है, डिस्चार्ज लाइन होता है और चार्जिंग लाइन भी होता है। अगर आपसे एक लाइन में अगर कोई पूछे कि कंप्रेसर का डिफिनेशन बताना है तो आपको बताना बस यही कि द फंक्शन ऑफ कंप्रेसर इज टू इंक्रीज द प्रेशर ऑफ एयर एंड गैस। यानी क्या हुआ, मैंने क्या बताया कि द फंक्शन ऑफ कंप्रेसर इज टू इंक्रीज द प्रेशर ऑफ एयर एंड गैस। यानी कंप्रेसर का मुख्य बस यही काम होता है कि जो भी हमारी एयर और गैस होती है उसकी प्रेशर को क्या करता है, ये बढ़ाने का काम करता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको कंप्रेसर का डिफिनेशन अगर कोई भी पूछे तो आप बता सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि कंप्रेसर कितने टाइप्स के होते हैं। तो मुख्य अगर बात करें तो कंप्रेसर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट और दूसरा हमारा होता है डायनेमिक डिस्प्लेसमेंट। तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट में कौन कौन से कंप्रेसर आते हैं, डायनेमिक में क्या क्या आता है। तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करें तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हमारा रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, एक होता है रोटरी कंप्रेसर। अब इस रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में भी डिफरेंट टाइप के कंप्रेसर होते हैं, जैसे सिंगल एक्टिंग कंप्रेसर आती है जो सेमी सील्ड होती है, एक आपका डबल एक्टिंग होती है जो सेमी हर्मेटिक टाइप के आपने रेसिप्रोकेटिंग जो भी कंप्रेसर देखते होंगे, जो छोटे छोटे आपके फ्रिजों में जो यूज होती है, आपको वाटर कूलर में भी देखने को मिल जाता है। एक होता है डायफ्राम होती है, आई ओपन टाइप कंप्रेसर, ये जो भी सेमी हर्मेटिक कंप्रेसर, रोटरी कंप्रेसर, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर होती है, इसको हम रिपेयर नहीं कर सकते हैं। रिपेयर के मतलब इसको हम खोलकर बना बना नहीं सकते, अगर एक बार ये खराब हो जाता है तो हम इसको एक्सचेंज करते हैं यानी बदल देते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है रोटरी कंप्रेसर। इस रोटरी कंप्रेसर में लोब टाइप्स होती है, लिक्विड रिंग टाइप्स होती है, स्क्रू कंप्रेसर होता है, बेंड टाइप का होता है और स्क्रोल टाइप्स होता है। ये डिफरेंट टाइप्स का आपको स्क्रू कंप्रेसर, ये बेन कंप्रेसर और स्क्रोल कंप्रेसर देखने को मिलेगा। तो मुख्य हम बात करते हैं कि जो भी हमारे घरों में जो ये रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर जो होता है, हमारे घरों में उपयोग होने वाले जो भी फ्रिज या फ्रीजर या स्वीट काउंटर पर आपने डीप फ्रीजर जो वाटर कूल आदि जो भी हमारे सिस्टम में जो अधिकतर उपयोग होते हैं वो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का यूज किया जाता है। मुख्यतः ये जो भी रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर होता है वो सिंगल फेज में ही मुख्यतः आपको मिलेगा, जिसे हम रिले कैपेसिटर ओवरलोड से इसको स्टार्ट कर हम इसे स्टार्ट करते हैं। छोटे स्तरों पर कूलिंग सिस्टम में यूज होने वाला ये रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर जो होते हैं, नॉन रिएक्टेबल होते हैं,
नहीं, इसको हम रिपेयर नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारा आता है डायनेमिक कंप्रेसर। डायनेमिक कंप्रेसर में बात करें तो ये सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर होता है और एक्सियल कंप्रेसर। जो भी सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर होता है, रेसिप्रोकेटिंग, ये रोटरी कंप्रेसर। तो रोटरी कंप्रेसर आपको सबसे ये ज़्यादा आपको जो भी आपने स्प्लिट स्प्लिट विंडो स्प्लिट देखा होगा कैसे, उसमें सबसे ज़्यादा ये रोटरी कंप्रेसर का यूज होता है। स्क्रू कंप्रेसर हमारा जो भी इंडस्ट्रियल होते हैं उसमें यूज होता है। स्क्रोल कंप्रेसर सबसे ज़्यादा आज के टाइम में जो भी बी आर ऑफ इनोवेट उसमें सबसे ज़्यादा हम स्क्रोल टाइप कंप्रेसर। स्क्रोल टाइप कंप्रेसर में ये होता है कि जैसे हमारे अगर पीसीबी हमारे कंप्रेसर को अगर वो कमांड देता है तो इस हिसाब से ही अपने स्पीड को क्या करता है, कंट्रोल करता है। अगर हाई लोड ज़्यादा होगा तो ये ज़्यादा इति करेगा, लोड को कैप्सिट कर उसके बाद से हमारे रेफ्रिजरेंट गैस को ये उस हिसाब से कंप्रेस कर वो कंडेंसर में भेजने का काम करता है। लिक्विड लोब, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्रेसर का यूज आपको देखने को मिलता है। तो दोस्तों मैं अगर मैं बात करना चाहता हूँ कि इन सभी कंप्रेसर को अगर मैं एक एक बार अगर पूरे बताने के कितने प्रकार के कि अगर कंप्रेसर यूज होते हैं इस रेफ्रिजरेंट में, तो मैं आपको बता दें एक होता है, आपको बता दिए कि सबसे पहले आपने जो भी देखा होगा रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर देखा होगा, फिर से आपने रोटरी कंप्रेसर होता है, फिर से आपको रोटरी कंप्रेसर का स्क्रोल कंप्रेसर का यूज होता है, मैंने बताया स्क्रोल कंप्रेसर का यूज होता है। फिर से आपका जो भी अगला होता है स्क्रू कंप्रेसर होता है। स्क्रू कंप्रेसर सबसे ज़्यादा आपको चिलर उलर जो एची उची होते हैं ना, उन चिलर उलर में जहाँ पर चिलर ज़्यादा हाई लोड का कैपेसिटी हो कूलिंग का, वहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर भी आपको चिलर उलर जो बड़ी बड़ी प्लांटें रहते हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको कूलिंग करने को मिलता है वहाँ पर आपको देखने को मिला। ये सभी जो भी स्क्रू कंप्रेसर सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर जो भी कंप्रेसर होती हैं सबको हमको रिपेयर भी कर सकते हैं, उसको खोल कर बना भी सकते हैं अगर कोई भी इसमें प्रॉब्लम आती है। तो दोस्तों हमें उम्मीद हो कि आपको समझ में आ गया कि कंप्रेसर किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। अगर आपसे इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो आप शेयर कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के पास, जिससे उनके नॉलेज भी आपको इंक्रीज हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।